अब T20 में बिना ओपनर के खेलने वाली टीम इंडिया, आई मीन दैट्स रियली शॉकिंग, बट सच यही है कि टीम इंडिया के पास ओपनर ही नहीं है, सिर्फ एक ओपनर, मतलब वो इंडिया जिसके पास शुभमन गिल, जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, जिम्बाब्वे टूर पर चार चार ओपनर थे। अब टीम इंडिया के सिलेक्टर्स का भगवान जाने क्या मन हुआ है कि उन्होंने ओपनर चुना ही नहीं। चलो ये समझ में आता है कि आपने गिल को, जायसवाल को रेस्ट दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या और ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं हो सकते थे? अभिषेक शर्मा के साथ क्या ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं रखा सकता था? और अगर ऋतुराज आपकी स्कीम में नहीं थे तो क्या ईशान किशन को नहीं रखा सकता था, क्योंकि वो भी ओपन करते हैं? या आपने ओपनिंग स्लॉट को गायब कर दिया? बहुत शॉकिंग है यार कि इंडियन टीम के थिंक टैंक ने ओपनर डिपार्टमेंट ही गायब कर दिया, सिर्फ एक ओपनर है अभिषेक शर्मा। और अब सवाल यह है कि बांग्लादेश के सामने 3 T20 मैच में वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करेगा, क्योंकि 3 T20 सीरीज मैच में टीम का ऐलान हो चुका है। 15 सदस्य टीम जो है, सूर्या कैप्टन है, हार्दिक पांड्या जो है वो भी स्क्वाड का हिस्सा है, कई सारे नए लड़के आए हैं, मयंक यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती 3 साल बाद वापस आए हैं, हर्षित राणा को मौका मिला है, सारा सिलेक्शन ठीक है, बट केवल क्वेश्चन जो है वो है ओपनर को लेकर, क्योंकि आपके पास ओपनर्स की भरमार है। आपके पास केएल राहुल थे, आपने कंसीडर नहीं किया, आपके पास ईशान किशन थे, आपने कंसीडर नहीं किया, ऋतुराज गायकवाड़ थे, कंसीडर नहीं किया, शुभमन गिल रेस्ट दे दिया, यशस्वी जायसवाल रेस्ट दे दिया। अब सवाल यह कि क्या केवल अभिषेक शर्मा अकेले खेलेंगे ओपनिंग, और अभिषेक नहीं तो कौन? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। बांग्लादेश के सामने कोई भी एक प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने ओपन किया हो, जिसे परमानेंटली ओपन करता हो और उसे टीम का मौका मिले। अब सवाल ये कि अभिषेक के साथ ओपन कौन कर सकता है? हालांकि चॉइस कई सारी है, T20 के हिसाब से जो सिलेक्शन है वो चौंकाने वाला, क्योंकि आपके पास सिर्फ रेगुलर ओपनर में एक ओपनर है, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो IPL में भी ओपन करता हो और वो अब आपको यहां ओपन कर ले। अब ये माना जा रहा है कि दो ऑप्शन आपके पास है। एक ऑप्शन ये कि अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन को ओपन करवा लिया जाए। संजू सैमसन ने T20 इंटरनेशनल करियर में 5 मैच में ओपनिंग की है, जिसमें 77 रन बनाए, हालांकि ओपनर के तौर पर वो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, वो 3 नंबर 4 नंबर खेलने वाले प्लेयर है। ऐसे में अगर 3 नंबर पर सूर्या जा रहे हैं, 4 पर आप रियान पराग या शिवम दुबे को ला रहे हैं, तो हो सकता है संजू सैमसन से ओपन करा ले जाए। संजू ओपन नहीं करते हैं तो एक खिलाड़ी है जिसका नाम वॉशिंगटन सुंदर है, वो भी ओपन कर सकते हैं, हालांकि सुंदर ने इंडिया के लिए T20 में ओपन नहीं किया, वनडे में एक बार वो ओपनर बैट्समैन के तौर पर आजमाए जा चुके हैं, राजकोट में गए थे, 18 रनों की पारी खेली थी, दो इज अ गुड बैट्समैन, बट T20 में उन्हें ओपनर बनाया जाए चांसेस कम है। अभिषेक की तरह वो भी राइट लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मुश्किल है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि या तो संजू सैमसन से ओपन कराया जाएगा अभिषेक शर्मा के साथ, या ऐसा हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव जो है वो खुद ओपन करने चले, कि सूर्या और अभिषेक ओपन करें, बट सूर्या अभिषेक अगर ओपन करते हैं तो दैट मीन्स टू मच ऑफ फन, दो बल्लेबाज एक तरीके की ऊपर आतिशबाजी, क्या सारा फायर जो है वो ऊपर ही डाल दिया जाएगा, या संजू सैमसन और आपके अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे? शायद टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर इसीलिए क्वेश्चन हो रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ का यहां तो बनता था, हर फॉर्मेट से आपने उसे निकाल दिया है, लड़का हर जगह अच्छा कर रहा है, 9 नंबर की उसकी रैंकिंग है, मतलब स्काई और जायसवाल के बाद उसकी बेस्ट रैंकिंग इंडिया में है। T20 में उसने अच्छा भी किया है, 2023 में 60 का एवरेज था, 2024 में 66 का एवरेज था, बट आपने उसे बाहर कर दिया। जिम्बाब्वे सीरीज में भी 3 मैच में उसने अच्छा रन बनाए थे, जब 3 नंबर पर खिलाया तो 47 बॉल पर 77 रन, 212 के स्ट्राइक रेट से, जब 4 नंबर खिलाया तो 28 पे 49, 175 के स्ट्राइक रेट से फिर ड्रॉप कर दिया और टीम से बाहर कर दिया। ईशान के साथ भी यही था, पहले कहा कि आप सब अच्छा है, केवल आप डोमेस्टिक खेल के आ जाइए, डोमेस्टिक खेल के लौटा तो आपने बाहर कर दिया। सवाल ये कौन ओपन करेगा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, वॉशिंगटन सुंदर, और एक ओपनर के साथ जाने का लॉजिक क्या हो सकता है? व्हाट्स योर टेक?